हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शाहनवाज आलम। आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का एक दूसरा सब पार्ट डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक के वीडियो लेक्चर्स में, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में अभी तक हम लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लिया। इनडेफिनेट इंटीग्रल में जितने सब पार्ट्स थे मैंने आपको बता दिए कि किस तरह से करना है, जैसे सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल, फ्रैक्शन, स्पेशल इंटीग्रल्स एंड सो ऑन। तो आज हम लोग उसी इंटीग्रल का दूसरा सब पार्ट डेफिनेट इंटीग्रल को करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। लेट आई बी द इंटीग्रल इंटीग्रेशन फ्रॉम द लोअर लिमिट एक्स इजिकल टू ए टू एक्स इजिकल टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है x इजिकल टू ए और x इजिकल टू बी मैंशन करना। ए टू बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, दिस इज़ कॉल्ड इंटीग्रेंड। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, अच्छा इसमें लिमिट दिया हुआ रहेगा ना, दिस इज़ कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज़ कॉल्ड अपर लिमिट। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करना है, देन आफ्टर दैट लिमिट सब्स्टिट्यूट होगा। एफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल एफ एक्स हो गया और ये लोअर लिमिट ए और बी इस तरह से यहाँ आ जाएगा। एक्स की जगह पर बी आएगा, पहले एफ बी माइनस एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो इसका एक प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे बनाना है। लेट आई बी द इंटीग्रेशन, मान लो 1 to 2 ले लिया मैंने एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको इंटीग्रेट करना है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, एक्स का पावर 1 है ना, एक्स स्क्वायर बाई टू 1 to 2 हो गया। तो 1/2 नंबर है, बाहर कर लो। एक्स स्क्वायर मेरा फंक्शन ऑफ एक्स, यही कैपिटल ऑफ एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स बदला ना कैपिटल एफ एक्स में, ये स्मॉल एफ एक्स था, ये कैपिटल एफ एक्स हो गया, इंटीग्रेट हो गया, चेंज हो गया ये। तो अभी अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट यहाँ और अपर लिमिट यहाँ है ना, तो हाफ हटा दो। फिर पहले क्या आएगा, अपर लिमिट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया 3/2। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, इनडेफिनिट में बस लिमिट नहीं होता, डेफिनिट में लिमिट होता है, लोअर एंड अपर है ना। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/e to e log x dx। तो log x का इंटीग्रेशन मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था, log x into 1 कर देंगे, बाय पार्ट से इसको बनाएंगे। ओके, तो बाय पार्ट से कैसे होता है, आई लेट के हिसाब से l, ये log पहले आएगा, u रहा तो v का, log x रहा तो 1 dx। लिमिट को बाहर रखो, लिमिट से भी मतलब नहीं है, जब तक वो इंटीग्रेट नहीं होगा लिमिट लगेगा नहीं। log x रहा तो 1 dx, 1 नहीं लिखा मैंने है ना, और ये एक इंटीग्रेशन हो गया है तो यहाँ रख दिया मैंने लिमिट को 1/e to e। माइनस फिर इंटीग्रेशन 1/e to e, फिर यहाँ क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बाई डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स यहाँ होता है, और ये डी एक्स बाहर वाले इंटीग्रेशन का। अभी तक आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आपको फिर ये प्रॉब्लम होने लगेगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, ख़त्म हो रहा है ये। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इजिकल टू एक्स लॉग एक्स, ये 1/e देन ई माइनस 1/e to e, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या हो गया 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 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 फिनिश, पहले अपर लिमिट रखेंगे ई लॉग ई माइनस, फिर क्या हो जाएगा 1/e log 1/e। ओके, एक्स एक्स कट गया तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 1/e to e, तो ई लॉग ई 1 होता है ना, लॉग ई का वैल्यू 1, तो यहाँ से ई और 1/e हो गया, लॉग 1/e क्या होगा, लॉग 1/e को हम लोग लिख सकते हैं ई का पावर माइनस 1, और ये पावर आगे आ जाता है माइनस, और लॉग ई तो 1 होता है, लॉग ई तो हमारा 1 होगा, तो ये माइनस 1 हो जाएगा ना, तो ये माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 1/e। इस तरीके से यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रैकेट खोलो, ई कैंसिल, 1/e plus 1/e 2/e। ओके, तो आपको ये तो याद ही होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने जो रूल लगाया था, u इंटू वी, यू रहा तो v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल du/dx, फिर ये कॉपी पेस्ट होता है यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर dx। ओके, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है जो कि हमने log x इंटू 1 में अप्लाई किया, u रहा तो v का माइनस इंटीग्रेशन डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये ब्रैकेट बंद होके फिर dx। तो इस तरह से समझना है। ओके, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ओके, ठीक है, ये दूसरा सम भी हो गया। तो सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम में आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट हो जाएगा, देन आफ्टर दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द रिस्पेक्टिव लिमिट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द अपर लिमिट माइनस देन लोअर लिमिट। ओके, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लेट आई इजिकल टू, मान लिया मैंने 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स है, तो इसको भी इंटू 1 कर देंगे, और आई लेट के हिसाब से इनवर्स होता है ना,
इनवर्स रहा तो पहले कर लेंगे, यू रहा तो वी का इंटीग्रेशन 1 dx, लिमिट को यहाँ 0 से 1 दे दिया मैंने माइनस, फिर इंटीग्रेशन 0 से 1, इसका डिफरेंशिएशन लगेगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, फिर ये 1 dx यहाँ कॉपी पेस्ट होगा फिर dx। तो 1 dx क्या होता है, एक्स साइन इनवर्स एक्स 0 से 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x² xdx। तो अपर लिमिट लगा दो इसमें 1, ये साइन इनवर्स 1 माइनस 0 लगाएंगे तो 0 से तो ख़त्म हो जाएगा ओके, माइनस ये तो ऐसे ही लिखा गया। अभी देखो इसका सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है ऊपर में, 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x है तो 2 तो बाहर हो जाएगा ना, तो टी मान लिया मैंने 1 माइनस x², एक दूसरे वेरिएबल में जाना चाह रहे हैं, एक्स से हम लोग किस में जाना चाह रहे हैं, टी में, तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x और डी एक्स इधर आ जाएगा, माइनस हाफ को इधर भेज दो, माइनस 2 को इधर भेज दिया, माइनस हाफ डी टी एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स आ गया मेरा माइनस हाफ डी टी। लेकिन मैंने बताया था ना अभी शुरू में कि ये डी एक्स ये स्ट्रिप जैसा रहेगा, डी एक्स जैसा रहेगा उसी का लिमिट होता है, ये डी एक्स है तो लिमिट भी एक्स का है, तो लिमिट जब आप एक्स का है तो एक्स इज इक्वल टू जब लिमिट 0 है तो टी का वैल्यू कहाँ से आएगा, सब्स्टिट्यूशन से निकालो, टी का वैल्यू 1 और एक्स का वैल्यू जब 1 है, एक्स का वैल्यू जब अपर लिमिट 1 है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, टी 0, तो ये हो गया 1 रहने दो। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2, 0 ख़त्म, माइनस ये एक्स डी एक्स की जगह मैंने रख दिया माइनस हाफ डी टी, लिमिट को भी चेंज कर दिया, 0 से 1 था तो ये 1 से 0 हो गया ओके, तो ये माइनस हो गया। अब इस माइनस के चक्कर में ये लिमिट अल्टी पल्टी हो सकता है ना, ये लोअर वाला अपर वाला लोअर में आएगा और लोअर वाला अपर में आएगा, एक प्रॉपर्टी भी है बाद में बताऊंगा, 0 नीचे ले आओ 1 को ऊपर करो तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, लिमिट को अल्टी पल्टी करने से एक माइनस साइन आ जाता है तो वो माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज़, तो 1/2 0 से 1 टी का पावर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ डी टी ओके। तो ये आ गया आई पाई बाई 2 माइनस हाफ टी का पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, टी का पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, 1 में से हाफ गया तो हाफ, ये दोनों कैंसिल, तो ये पाई बाई 2 ये बचेगा, 1 में से हाफ गया तो हाफ है ना, मतलब रूट टी 0 से 1, पहले अपर लिमिट लगाएंगे, टी के लिए लिमिट निकाल दिया था मैंने, टी का रूट 1 ये 0 0 है ना, 1 पाई बाई 2 माइनस 1 हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 0 से 1 डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो डी एक्स बाई इसको क्या करेंगे, हमने बताया था इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए यहाँ से मांग लो और बी में ऐसा क्या रखें कि 3x बन जाए, तो 3/2 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 3x, अब बी पता लग गया तो बी स्क्वायर ऐड करके बी स्क्वायर हटाते हैं प्लस 1, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आ गया माइनस 9/4 प्लस 1, तो इसको तोड़ेंगे कितना होगा, ये तो ऐसे ही होगा 4 9, माइनस 9 में प्लस 4 गया तो माइनस 5, उसको लिख सकते हैं रूट 5/2 का होल स्क्वायर ना, 4 है ना यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फार्मूला क्या होता है, 1/dx/x² - a², तो फार्मूला होता है 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स, एक्स इसको माफ बोल रहे हैं ना, एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, और ये लिमिट चलेगा 0 से 1 ओके। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 कट गया तो 1/√5 है, और ये जो ऐसा है वैसा लिखेंगे ना, लिमिट अप्लाइड होगा यहाँ पर, तो ये आ गया 1/√5 लॉग, ये एलसीएम ले लिया मैंने ना यहाँ पर 2x + 3, देखो एलसीएम लिया है ना, ये 2 2 है, ये 2 एलसीएम में आ जाएगा 2x + 3 - √5, ये 2 2 एलसीएम में तो 2x + 3 + √5, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा ना ऊपर नीचे से, वही चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया। अभी 0 to 1, अब लिमिट अप्लाई होगा, 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 to 5 5 - √5/5 + √5 - फिर 0 रख देंगे तो ये ख़त्म, 3 - √5/3 + √5, अब ये बन गया लॉग ए माइनस लॉग बी, ये तो ऐसे ही चल रहा है, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी फार्मूला होता है ना, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसका फार्मूला होता है लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी ओके, तो ये लॉग ए ये हो गया, बी ये हो गया, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो गया, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, इससे डिवाइड करना है तो ये घूम जाएगा ना, 3 + मल्टीप्लाई में आने पर जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 + √5 मल्टीप्लाई में आएगा, 3 + √5/3 - √5, अब इन दोनों को गुणा कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 15 5√5 - 3√5 - 5 है ना, फिर 15 - 5√5 + 3√5 - 5, तो इस तरह से ये तैयार हो गया, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से आएगा, एडजस्ट करने से 2 कॉमन लेके काट दो, अंदर अंदर एंगल एंगल हट जाएगा तो ये आ गया, फिर रैशनलाइज करेंगे, फिर √5 भी निकल रहा ना, √5 भी निकाल लो तो √5 + 1 √5 - 1, 10th क्लास में बनाया ना इस तरह के, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करोगे तो ये निकल के इस तरह से आएगा ना, 1/√5 log a² + 2ab + b², a² - b², तो ये सेटअप बन के इस तरह से आएगा, 2 कॉमन लेके
यहाँ से काट देंगे तो ये बन जाएगा ना। ओके सिंप्लीफिकेशन है इसलिए मैंने इसको रीड नहीं किया, आप समझ जाओगे ना देख के बना हुआ ये। ओके इसके बाद है एक और क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो पुट टी कर दिया मैंने टेन इनवर्स एक्स, डी टी बाई डी एक्स क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो कि अवेलेबल है ना उसी को देख के अंदाजा लगाया। सबसे पहले इंटीग्रेशन पे ध्यान देना, इंटीग्रेट हो गया लिमिट सब्सटीट्यूट हो जाएगा, अगर सब्सटीट्यूशन से बना रहे हैं तो लिमिट को छोड़ के बनाओ, नहीं तो फिर अगर टी में जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको अपना लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि डी एक्स को चेंज करते हैं ना डी टी में, तो ये लिमिट एक्स का है ये भी लिमिट टी में जाएगा ना। तो डी टी बाई डी एक्स हो गया, ये आ गया डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई दिस, ये आ गया ना डी टी। अब लिमिट देखो किसका दिया हुआ, एक्स का दिया हुआ 0, तो सब्सटीट्यूशन से चेंज करो, टैन इनवर्स 0 0, टी का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू फिर क्या आ जाए लिमिट में 1, तो टैन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4, टी का वैल्यू पाई बाई 4। लिमिट जब 0 से 1 चल रहा है तो टी में 0 से पाई 4 चलेगा ना, तो लिमिट निकाल लिया हमने है ना। अब इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई 4 टैन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर था ना, टैन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर और ये डी टी हो जाएगा ना, ये टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, 1 बाई 3 बाहर कर लो, फिर ये क्या आएगा पाई बाई 4 का होल क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये पाई क्यूब भाई क्या हो गया 64 इंटू 3 ना 192 हो गया। ओके आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये आई है इसको लेते हैं, आई विद इंटीग्रेशन 0 से 90 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, साइन एक्स को तोड़ते हैं, 2 sin x/2 cos x/2 होता है ना फार्मूला, साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है 2 sin x/2 cos x/2। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर 1 को सेट कर देंगे आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, cos² θ/2 sin² x/2 cos² x/2 sin² x/2, ये क्या होता है 1 होता है ना। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, a² + b² + 2ab फार्मूला बन जाएगा। तो ये बन गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट फिनिश, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x/2, ठीक है, साइन एक्स का क्या होगा -cos x, लेकिन एक्स के साथ में यहाँ पर 1/2 है तो वो डिवाइड होगा ना कोफिशिएंट से, लिमिट तो वही है आई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन sin x/2, लेकिन एक्स के साथ 1/2 था तो वो डिवाइड होगा ना, जैसे चेन रूल में वहाँ डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा एक्स के साथ में जो भी एडिशनल नंबर है, साइन का -cos x, एक्स के साथ हाफ है तो वो डिवाइड होगा, ये घूम के 2 हो गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट वैसे ही चल रहा है, अब लगेगा अपर लिमिट साइन एक्स की जगह पाई बाई 2 लगाएंगे तो पाई बाई 4 माइनस ये cos π/4 माइनस, फिर 0 लगाएंगे sin 0 - cos 0, sin 45 cos 45 सेम होता है कट जाएगा, माइनस sin 0 0 माइनस माइनस प्लस cos 0 1 होता है ना, तो 1 आ गया तो 2 1 2 आंसर। ओके इंटीग्रेशन 1 to 2 ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स रूट ओवर एक्स प्लस 2 dx। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक्स के साथ कौन नंबर ऐड है 2 ना, जो भी नंबर यहाँ पर एक्स के साथ ऐड रहेगा अगर पावर दोनों का सेम है तो जो भी कांस्टेंट यहाँ ऐड रहेगा इसी इसमें बाहर वाले में ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 ऐड करके 4 घटाते, अल्फ़ा होता तो अल्फ़ा ऐड करके अल्फ़ा घटाते, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये तो मैंने एडजस्ट किया और ये x प्लस 2 का पावर हाफ है तो x प्लस 2 अलग 2 2 कट जाएगा ना, बैलेंस है ना, इधर से देखो वापस आ सकते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन बांट दो और ये 2 बाहर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन टूट जाएगा ये अलग। तो x में मैंने शुरू में बताया था ना x में कोई नंबर जुड़ा रहे या घटा रहे बट x का पावर 1 रहेगा तो वो x की तरह ट्रीट होगा, x का पावर n क्या हो गया, x का पावर n प्लस 1, 3/2 + 1 क्या होता 5/2 और नीचे भी 5/2 आएगा तो घूम के 2/5 लिमिट लग गया 1 to 2 - 2, ये 2 तो पहले से, x का पावर 1/2 क्या होता है, x का पावर 1/2 + 1 मतलब 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2 आएगा तो वो घूम के 2/3 और लिमिट हो गया ये 1 से 2। ओके अब इसको सेट कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो ये 2/5 अपर लिमिट अगर रखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 2 to 4 5/2 माइनस 1 रखेंगे तो 3 5/2 माइनस 2 to 4/3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 to 4 3/2 माइनस 1 2 + 1 3 का पावर 3/2। ओके वही चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया, अब यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके वही लाइन को मैंने जो बोला अभी यहाँ लिखा हुआ है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो तो 2/4 4 का पावर 5/2 को टैगल करो तो 4 का पावर 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 2 2 कट गया 2 का पावर 5 32। और एक चीज़ और याद रखेंगे, x का पावर 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x रूट एक्स, क्यों, क्योंकि x का पावर 1 और x का पावर हाफ मिलकर x टू द पावर 3/2 बनाता है, तो 2/5 ये तो सॉल्व हुआ 32, 3 का पावर 5/2 माइनस 4/3, इसको 2 का स्क्वायर करो तो स्क्वायर स्क्वायर कटेगा 2 का क्यूब 8 और माइनस 3 का पावर 3/2,
मल्टीप्लाई कर दो ये आएगा, मल्टीप्लाई करो ये इधर से ये माइनस माइनस प्लस ये आ गया। इसको इसको लेके एलसीएम ले लो, इसको इसको एक जगह पर रख लो। यहाँ पर देखो 3 का पावर 3/2 को मैंने क्या लिख दिया, 3√3। वाई क्योंकि अभी बताया ना मैंने एक्स का पावर 3/2 को क्या लिखेंगे, x√x। तो 3 का पावर 3/2 को हमने लिख दिया 3√3। 3 कैंसिल तो ये 4√3, 2/5। अच्छा 3 का पावर 5/2 है ना, इसको मैंने कैसे लिखा देखो, 3 का पावर 5/2 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर × 3 का पावर हाफ। क्यों? क्योंकि 2 × 2 = 4 + 1 = 5/2, तो ये 9√3 हो सकता है ना ये। तो इसको हम लेंगे 3 का स्क्वायर 3 का पावर हाफ लिख दिया। अब इसको एडजस्ट कर दिया, 3 × 3 = 9 × 2 = 18 / 5√3। अब एडजस्ट किया, एलसीएम वगैरह लिया, 20 में से 18 गया तो 2√3। अब यहाँ से 1/15 कॉमन ले लेंगे तो 32, 5 × 3 = 15, 3 × 2 = 6√3। ओके, तो ये कैलकुलेशन है, आप कर लोगे, ये सब 9-10 में बहुत बनाया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर भी कर दें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, है ना। ओके, थैंक यू।